आपके साथ मैं मुस्कान नागदा, आप देख रहे हैं 8 इंडिया न्यूज। सिरोंज हाजीपुर बजरिया आम आदमी पार्टी के मेन कार्यालय में 15 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को अरविंद केजरीवाल की विचारधाराओं से प्रेरित होकर दर्जनों लोगों ने पहुंचकर सदस्यता ग्रहण की, जिसमें बड़ी संख्या में सिरोंज लटेरी की विधानसभा पंचायत पामाखेड़ी के पूर्व सरपंच गंगाराम अहिरवार, ओंकार सिंह कुर्मी पटेल की टीम ने साकलोन से नेपाल सिंह यादव की टीम ने सिरोंज से मकसूद खान, माफिया खान की टीम के लोगों ने बढ़ चढ़ कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अल्ताफ खान पत्रकार ने सभी साथियों को एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी की योजनाएं दिल्ली पंजाब में चल रही है उन योजनाओं को मध्य प्रदेश में लाने के लिए कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सब गांव-गांव जाकर आम आदमी पार्टी की सदस्य अभियान चलाएंगे, आम आदमी पार्टी की विचारधाराएं योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं ताकि जनता जागरूक हो और आम आदमी पार्टी से ज़्यादा लोग जुड़े। वही हमारा लक्ष्य 2023 में सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का अपना उम्मीदवार जिताना और भाजपा कांग्रेस मुक्त कराना है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष इजराइल गद्दी द्वारा लोगों को जागरूक अभियान आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर चलने एवं ईमानदारी से काम करने के लिए कहा गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष इजराइल गद्दी, सूरज कुमार पाटीदार, महफूज खान जागीरदार, अल्ताफ खान पत्रकार, अरविंद शर्मा, आदित्य नगीना, सादिक कुरेशी, गंगाराम कुशवाहा, आजम खान उपस्थिति में ये सदस्यता ग्रहण की। आज हम जो है रोज आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष इजराइल गद्दी जी, वरिष्ठ नेता अरविंद शर्मा जी, सूरज पाटीदार जी और भी महफूज खान और भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्तागण मौजूद हैं। और आम आदमी पार्टी को इस तरह बढ़ते हुए आगे देखकर, ईमानदारी के साथ देखते हुए आम आदमी पार्टी से आज जुड़ने के लिए हमारे साथ मौजूद है पामाखेड़ी के पूर्व सरपंच गंगाराम अहिरवार जी और साथ में ओमकार सिंह जी पटेल, कुर्मी पटेल है ये, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और इन्होंने आम आदमी पार्टी का विचारधारा देखी, आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दे रखी हैं इन योजनाओं को देखा, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी सत्ता आज ली है। तो हम ऐसी आशा विश्वास करते हैं कि आगे भी और भी कई लोग आम आदमी पार्टी जुड़ना चाहेंगे।